नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माया क्रिएशंस। आज हम यहाँ पे आपको दिखाने जा रहे हैं कि आप सूट, आपके पुराने सूट से या किसी भी फिटिंग वाले सूट से आप दोबारा, अगर आपको सूट कटिंग करनी है तो आप उससे मेजरमेंट्स लेके कैसे आप उसकी कटिंग कर सकते हैं नए सूट की। तो वैसे तो मेजरमेंट्स सब लोग नहीं समझ पाते ज़्यादा मेजरमेंट्स की किस हिसाब से लेना चाहिए किस हिसाब से नहीं। तो हमने कोशिश की है कि अगर आपके पास पुराना सूट है कोई जो आपको फिटिंग आता हो, आप उससे अपना साइज़ मेजर करें और ये कटिंग करें। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो सिलाई लेके, जो फिटिंग की सिलाई है हमारे पुराने सूट पे, वो लेके हमने 11 इंच है। तो हम पहले यहाँ पे 11 इंच पे मेज़र कर लेंगे। कपड़ा एज यूजुअल डबल फोल्ड है, उसके बाद हमने चार तरफ फोल्ड किया है। ये है 6 इंच और यहाँ 2.5 इंच, ये हमारे सूट का मेजरमेंट है। यहाँ से 6 इंच आप कपड़े को चार फोल्ड कर ले और उसके ऊपर अपना सूट टर्न करके उल्टी साइड से आप उसको प्लेस करें और ऐसे डबल फोल्ड करके आप कपड़े को कपड़े के ऊपर फोल्ड करके और कपड़े के ऊपर प्लेस करें। ऐसे आप देख सकते हैं, आप देखिए गला हमने कैसे नापा है और कंधा का जहाँ पे आर्म होल है हमने वहाँ पे मार्किंग कर ली है। यहाँ पे गला मार्किंग कर लिया है, उसके बाद हम आगे फ्रंट का गला पहले मार्किंग करेंगे। फ्रंट का गला आप जितना चाहें 6 या 7, 8 ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ हम अपने गले में थोड़ा सा डिज़ाइन डाल रहे हैं। और मैंने पहले भी सूट कटिंग की वीडियोस डाली है, उसकी लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और ये हमारा सूट जो हम बना रहे हैं उसका अस्तर है, तो ये कटिंग हम अपने अस्तर पे कर रहे हैं। ये हमारे फ्रंट के गले की मार्किंग हो गई। साथ ही में बैक गला हम एक आइडिया लगा रहे हैं 8 इंच का, तो ये हमारा बैक गला हो जाएगा जो कि हम दूसरे पल्ले में काटेंगे, इस पर नहीं काटेंगे। एज़ यूजुअल बस रैंडमली हमने मार्क कर लिया है। ये आप 11 इंच के निशान तक आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप आर्म होल बना लीजिए। यहाँ है 13 इंच पे कट हमने लगाना है, तो ये जो हमारा साइड से खुला रहता है तो ये शोल्डर आर्म होल से लेके 13 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और इस पोर्शन को ऐसे सीधा जॉइन कर लेंगे। कोई एक्स्ट्रा मार्जिन हमने नहीं रखी है क्योंकि एक्स्ट्रा मार्जिन हमारे पुराने वाले सूट में है ऑलरेडी। बस ये सीधा लाइनिंग हम कुछ इस तरह से कर लेंगे। सूट का घेरा मैंने बताया है, वैसे नॉर्मली जो है वो 22 से 23 इंच होता है। ये हमारी फिटिंग साइज़ है, हमने बस सूट जहाँ पे हमारी लास्ट सिलाई है हम फिटिंग साइज़ हमने वहीं पे मेजर की है। तो ये हमारा देख सकते हैं आप 2 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन कर लेंगे। ये कुछ सिंपल स्टेप्स है जिसमें आप अपना सूट जो है मेजर करके कपड़े पर काट सकते हैं। 22 से 23 इंच एक तरफ का घेरा होगा सूट का, आगे का और पीछे का दोनों मिला के 23 इंच, यानी कि एक तरफ का 23 से 24 इंच भी हो सकता है, 22 इंच भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है आप कितना लेते हैं। ये देखिए कपड़ा हम आपको दिखा देते हैं। पहले हमने ऐसे डबल फोल्ड किया है, फिर ऐसे चार बार फोल्ड किया है। चार फोल्ड है हमारा कपड़ा, तो ये हमारी नॉर्मल सी मार्किंग हो गई है। अब हम इसको कट कर लेंगे। ओपन साइड हमने इस तरफ रखी है जिस तरफ मार्किंग की है बगल की, और जॉइंट साइड हमने उधर रखी है जिस तरफ की
वहाँ पे फोल्ड हमारा जो है वो ओपन नहीं है, तो इस बात का भी ध्यान दें। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हम आप देख सकते हैं, बस हमने कंधे पे मार्किंग कर ली और ये बस हम एक पल्ला लेके काट रहे हैं अपना फ्रंट का गला। बैक का गला आपने आप देख सकते हैं हमने छुआ भी नहीं है, क्योंकि बैक में राउंड नेक होगा, तो इसलिए हम सिर्फ फ्रंट का गला जो है वो डिज़ाइन डाल रहे हैं। यहाँ हम अपना शोल्डर का मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद हम अपना बैक का गला लेंगे 8 इंच, 8-9 जितना आप चाहें, ज़्यादा डीप रखते हैं तो 9 इंच रख लें या 8 इंच नॉर्मल, 7 इंच जितना आप चाहें, और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी नॉर्मल सी हो गई सूट की कटिंग, जो कि आप पुराने सूट से कैसे नाप करके काटें, ये देखिए हमारी गले की डिज़ाइन कुछ ऐसी ही आएगी। तो ये हमारी अस्तर पे कटिंग हमने की है सूट की। अब इसे इसको सूट के कपड़े के ऊपर हम रख के कटिंग करेंगे। अगर आपका नॉर्मली अस्तर वाला सूट नहीं है तो आप डायरेक्ट इसे अपने सूट के कपड़े पे भी ऐसे काट सकते हैं। यहाँ ऐसे ही हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है, और सबसे पहले हमने अपना आगे का भाग इसमें ऊपर रखा है। देख रहे हैं आप, थोड़ा सा हमारी लंबाई छोटी पड़ रही है, तो हम कपड़े को ऐसे रख लेते हैं। फोल्ड भाग हमेशा देखिए बीच में आए, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। हम कपड़े को ऐसे सीधा बैठा लेंगे, उसके बाद अपना आगे का भाग जो है सूट का वो प्लेस करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पे देखिए ये बराबर आ रहा है, लंबाई में हमें कुछ कट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसकी कटिंग कर लेंगे, तो आर्म होल हम एक ही साथ कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ी सी शोल्डर की मार्किंग कैची से कर ली है कट लगा के। अब एक पल्ला हम अलग कर लेंगे, ताकि ये एक हमारा आगे का हो जाएगा और एक हमारा पीछे का हो जाएगा, क्योंकि अब बारी है हमारा नेक काटने की। तो इसके लिए हम पहले अलग कर लेंगे दोनों को। अगर आप गोल गला बना दें तो भी आपका फ्रंट का गला पीछे के गले से थोड़ा सा छोटा रहता है, थोड़ा सा मतलब एज ऑप्शनल जितना आप चाहें। बस इसको हम जैसे हमने डिज़ाइन अस्तर पे काटी है, हम इस पे काट लेंगे।
और सेम जैसे हमने फ्रंट का गला कटिंग कर लिया है, वैसे ही हम पीछे का भी गला कटिंग कर लेंगे। आप वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हैं और आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। इससे क्या होता है कि हमारी जो मोटिवेशन है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके एक लाइक से। तो और अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आई, आपको लगे कि उसमें आपको ये चीज़ सुधार चाहिए, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पीछे का भाग हो गया। तो ये हमारा सूट का कटिंग जो है वो सूट के मेजरमेंट से हमने कर लिया है। अब हम यहाँ पे आस्तीन कटिंग करेंगे। तो अगर आपको जब मेजरमेंट्स ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं तो ये एक बहुत ही इजी और आसान तरीका है आपको सूट कटिंग करने के लिए। तो आप इस तरीके से अपना सूट मेजर करके काट सकती हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ हमने आस्तीन भी ऐसे ही मेजर कर लिया है। आस्तीन आप जहाँ से आप आस्तीन ज्वाइन करती हैं वहाँ से आप ले लीजिए। हाफ इंच इधर हमने बढ़ाया है क्योंकि हाफ इंच मोड़ने में जाएगा हमारा, और हाफ इंच हमारा उधर आस्तीन ज्वाइंट आर्म होल में आस्तीन ज्वाइन करेंगे। तो टोटल मिला के एक इंच एक्स्ट्रा हम कपड़ा लेंगे और एक इंच हम बगल से भी एक्स्ट्रा लेंगे। पहले हमने ऐसे मार्किंग कर ली है और यहाँ पे भी हम जितना बड़ा आस्तीन है वहाँ पे मार्किंग कर लेंगे हाफ इंच एक्स्ट्रा ले करके। आप देख सकते हैं 8 इंच, यहाँ पे 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, सिलाई में जाएगा। एटलीस्ट 9 इंच आपका आस्तीन रहना ही चाहिए, लंबाई एज यूजल जितना आप चाहें। तो ये हो गया हमारा 9 इंच में हमने लगा दिया है मार्किंग और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा आस्तीन हो गया, ऐसे ही हम उसको सूट के कपड़े पर भी कटिंग कर लेते हैं। इस कपड़े में हमने अस्तर इसलिए डाला है लाइनिंग का कपड़ा क्योंकि ये कपड़ा प्योर कॉटन नहीं है, थोड़ा सा पॉलिएस्टर मिक्स है, तो गर्मियों के दिन में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है जिसकी वजह से हमें कॉटन का अस्तर लगाना पड़ा है। अदरवाइज़ अगर आपके पास कॉटन का कपड़ा है तो आपकी स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। तो आप डायरेक्टली उसे आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं, या कोई भी सूट आपको कटिंग करनी हो तो आप डायरेक्टली ऐसे ही कर लीजिए। मैं कोई बेसिक इफ़ेक्ट्स अपने वीडियो में नहीं डालती हूँ ताकि प्योरिटी से मैं आपको अपनी वीडियो दिखा सकूँ। तो ये जो भी मैं शूट करती हूँ वो नॉर्मली एक मोबाइल से करती हूँ, स्मार्टफोन से, और बहुत ही नॉर्मल सी पिक्चर आती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।